बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। जी आज की जो डिश है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्रिस्पी पकोड़ा है और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल का ये पकोड़ा है। जी बंद गोभी के पकोड़े हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और रमज़ान की भी आमद है तो इस डिश को आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम झटपट से इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बोल में एक दो प्याली जो है या एक छोटा बोल जो है वो आपने बंद गोभी का काट लेना है। इसको मैंने बारीक काट लिया है। अब आपने इसमें दो अदद जो है वो बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है, तीन अदद हरी मिर्चें शामिल करनी है, आधी प्याली जो है वो हरा धनिया शामिल करना है, एक अदद एग जाएगा इसमें। अब मसाला जात की बारी है। 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया जो है, धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट हसबे ज़रूरत, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन जो है वो मैं सर्विंग स्पून से इसमें डालूंगी, 4 सर्विंग स्पून जो है वो इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है वो रख देना है और ये जो मसाले वगैरह हैं हमारे ये पानी छोड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस बैटर में इसमें पानी शामिल कर देंगे तो हमारा जो बैटर है, मिक्सचर है हमारा, वो पतला हो जाएगा और इसके पकौड़े हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें पानी छोड़ चुका है, ये हमारा जो चीज़ें थी हमारी वेजिटेबल्स और मसाला चाव जो हमने शामिल किए थे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया इसमें, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम आपने फ्लेम पे इसको पकाना है, पकौड़ों को फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से आप इसमें डालते जाएं, आपने कोई भी शेप नहीं देनी इसको, इस तरह से मैं पकोड़े जो हैं वो सारे इसमें डालते जाऊंगी। अब कोई भी शेप नहीं देंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे वो बेढंगे से। अभी हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ब्राउन हो जाएंगे हम फिर हम इनको निकाल लेंगे। जब हम इसमें वो पकोड़े डालते हैं तो आपने फ़ौरन ही इसकी साइड चेंज नहीं कर देनी और ना इसको हलाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद आपने इसको छेड़ना है जी, इनकी साइड चेंज कर दें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। दोनों साइड से जो ब्राउन जो हैं वो हो चुके हैं, जो ब्राउन हो चुके हैं हमने उनको निकाल लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। व्यूअर्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। कमेंट भी किया कीजिए ज़रूर और साथ साथ शेयर भी करें मेरे चैनल को ताकि सब लोग देख सकें और इससे
फ़ायदा हासिल कर सके। इसी तरह देख ले, मैंने और पकोड़े जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं, जो बाकी मेरा मिक्सचर था उसके भी मैंने पकोड़े बना लिए हैं। अब रमज़ान आने वाला है, आप उसमें इसमें इसको ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने निकाल लिया और सर्व किया इसको केचप के साथ। आप चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हैं ये। आप रमज़ान में बनाएंगे तो सब जो हैं वो बहुत ही खुश होंगे। थैंक यू।